2 फरवरी 1970 को एक F-106 फाइटर जेट जिसको पायलट कैप्टन गैरी फॉस्ट फ्लाई कर रहे थे वो प्लेन एक फ्लैट स्पिन में चला गया। पायलट ने कंट्रोल खो दिया और उनको जेट करना पड़ा, बट ये जैक्शन ने चेंज इन बैलेंस ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किया और एयरक्राफ्ट स्टेबलाइज होकर बिना अपने पायलट के कई माइल्स फ्लाई करता रहा। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि वो एयरक्राफ्ट एक स्नोई फील्ड में बिना लैंडिंग गियर के लैंड भी कर गया। उस जेट को बाद में रिकवर कर लिया गया और दोबारा सर्विस में एंटर कर दिया गया। इसके बाद इसको नेशनल म्यूजियम ऑफ US एयरफोर्स में भेज दिया गया।